वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.5 ऑन पेज नंबर 140। इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द कन्वर्जेंस। इस क्वेश्चन में हमें किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना सीखना है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व है, इसलिए हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट से। बी पार्ट इज 7 kg 450 ग्राम। जैसा कि हम जानते हैं 1 kg = 1000 ग्राम, 2 kg = 2000 ग्राम, इसी तरीके से 3 kg = 3000 ग्राम एंड 7 kg = 7000 ग्राम। तो 7 kg = 7000 ग्राम एंड 450 ग्राम। यदि हम ग्राम्स को यहां ऐड कर लें, 7000 ग्राम को प्लस 450 ग्राम, 7000 ग्राम और 450 ग्राम को यदि ऐड करते हैं तो आंसर आता है आपका 7450 ग्राम। कम टू द नेक्स्ट सी पार्ट, 4520 ग्राम। इस ग्राम को हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 4000 ग्राम इक्वल टू 4 किलोग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 kg होते हैं, 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम होते हैं, 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम होते हैं, इसी तरीके से 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम होते हैं, बाकी जो इसमें रह गए 520 ग्राम। यहां पर हम इसको ऐड करते हैं, 4000 ग्राम प्लस 520 ग्राम, 4000 ग्राम किसके इक्वल है, 4 किलोग्राम के। 4000 ग्राम हमारे 4 किलोग्राम के इक्वल है, तो यहां पर आ गया 4 किलोग्राम और ग्राम कितने हैं हमारे पास, 520 ग्राम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9312 ग्राम। इसको ब्रेक करते हैं 9000 प्लस 312 ग्राम में, तो 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम, 2000 ग्राम = 2 किलोग्राम, 3000 ग्राम = 3 किलोग्राम, इसी तरीके से 9000 ग्राम = 9 किलोग्राम एंड 312 ग्राम। 9000 ग्राम और 312 ग्राम को हम ऐड करते हैं, 9000 ग्राम एंड 312 ग्राम, 9000 ग्राम आपका 9 kg के इक्वल है, तो यहां पर हम 9000 ग्राम क्या बन गए, 9 किलोग्राम एंड 312 ग्राम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज कन्वर्ट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें किलोग्राम को ग्राम में और
come to the question number 2. Question number 2 is, convert the following. इस क्वेश्चन में हमें किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम दिए गए नंबर या दी गई डिजिट में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं. किलोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नंबर या दी गई डिजिट में हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि 1 किलोग्राम को यदि हमें चेंज करना है ग्राम में, तो 1 × 1000 इक्वल टू 1000 ग्राम. इसी तरीके से 2 किलोग्राम इक्वल टू 2 × 1000 इक्वल टू 2000 ग्राम. 3 किलोग्राम इक्वल टू 3 × 1000 इक्वल टू 3000 ग्राम. किलोग्राम से यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नंबर या डिजिट में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए, एज 4 kg इंटू ग्राम. 4 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जो डिजिट हमें दी गई है 4, इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 4 × 1 = 4, और इसके साथ जो 0 है उसको इसके साथ इंक्लूड कर देंगे. 1, 2, 3 0 है, 1, 2, 3. तो 4 किलोग्राम इक्वल टू 4000 ग्राम. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, बी इज 1 किलोग्राम एंड 320 ग्राम इंटू ग्राम. 1 किलोग्राम 320 ग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर ध्यान से देखें तो 320 ग्राम ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. कन्वर्ट किसको करेंगे, 1 किलोग्राम को. इक्वल 1 किलोग्राम इंटू 1000 ब्रैकेट 320 ग्राम, इसको हम ऐड कर देंगे. इक्वल 1 × 1 = 1, 3 0 है, इसको इसके साथ इंक्लूड कर देंगे. 1, 2, 3 1000 ग्राम एंड 320 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1320 ग्राम. कम टू द नेक्स्ट पार्ट सी, सी इज 5 किलोग्राम एंड 5 ग्राम इंटू ग्राम. 5 किलोग्राम 5 ग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी पहले से ही ग्राम है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे.
कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम को, इक्वल 5 मल्टीप्लाई कितने करेंगे 1000 का, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। प्लस 5 ग्राम को हम ऐड करेंगे, जो ग्राम है उनको हम ऐड करेंगे, यहां पर जैसे 320 ग्राम था इसको भी ऐड किया था, ऐसे यहां पर 5 ग्राम है इसको भी ऐड करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 5 1 जा 5, किसी भी नंबर या डिजिट का मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो आंसर में वह नंबर और डिजिट ही आती है। 5 1 जा 5, 3 0 है, 1 2 3, इनको इंक्लूड कर देंगे, प्लस 5, दोनों को प्लस करेंगे, 5000 5 ग्राम, तो 5 kg 5 ग्राम में 5000 5 ग्राम होंगे। कम टू द नेक्स्ट, डी, डी इज 7 kg and 30 g into ग्राम। इसमें हमें 7 kg 30 g को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 30 g ऑलरेडी ग्राम है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे, 7 kg को, इक्वल 7 × 1000 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 30 इक्वल 7 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 1 = 7, 3 0 है, इसको इनके साथ इंक्लूड कर देंगे, 1 2 3 0, प्लस 30, दोनों को ऐड करेंगे 7000 और 30 को, तो ऐड करने पर ये आएगा 7030 ग्राम, तो 7 kg 30 g इक्वल टू 7030 ग्राम। कम टू द नेक्स्ट, ई, ग्राम। इस क्वेश्चन में हमें 1254 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम एंड ग्राम में। 1254 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं 1254 को। 1254 को ब्रेक करते हैं 1000 में, 1000 प्लस 1000 ग्राम प्लस 254 ग्राम इक्वल 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg एंड 254 ग्राम। तो 1254 ग्राम में 1 kg 254 ग्राम होंगे। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एफ, एफ इज 4545 ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम। 4540 ग्राम को हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करेंगे 4000 ग्राम प्लस 545 ग्राम। 4000 ग्राम इक्वल टू 4 kg, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 2000 ग्राम इक्वल टू 2 kg, इसी तरीके से 4000 ग्राम इक्वल टू 4 kg और 545 ग्राम।
तो हमने 4540 ग्राम को ब्रेक कर दिया है, 4 किलोग्राम एंड 540 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इज रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इसके 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए, द वेट ऑफ अ बैग इज 4 kg 250 ग्राम। एक बैग का जो वेट है, वजन है, वो 4 kg 250 ग्राम है। व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम्स। तो इसका वजन ग्राम में क्या होगा, इसका वेट ग्राम में क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। मींस 4 kg 250 ग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। वेट ऑफ ए बैग इक्वल टू 4 kg and 250 ग्राम। वेट ऑफ अ बैग इन ग्राम, जी फॉर ग्राम और के जी फॉर किलोग्राम, 4 kg and 250 ग्राम। ये ऑलरेडी ग्राम में है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे हम, किलोग्राम को। तो 4 kg में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और जो हमें ग्राम दे रखे हैं इनको हम प्लस करेंगे 250 ग्राम। 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 बन जा 4, 30 है इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगी, 4000 हो गया, प्लस 250। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4000 और 250 को। इन दोनों को प्लस करने के बाद 4250 आएगा और ये ग्राम होता है। तो 4 kg 250 ग्राम को कन्वर्ट कर दिया हमने ग्राम में, तो ये ग्राम हो गए 4250 ग्राम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। बी पार्ट इज द वेट ऑफ रानी इज 25125 ग्राम। रानी का वेट 25125 ग्राम है। व्हाट इज हर वेट इन किलोग्राम एंड ग्राम्स। उसका वेट किलोग्राम और ग्राम में क्या होगा, ये मींस 25125 ग्राम को हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। वेट ऑफ रानी, इक्वल टू 25125 ग्राम। वेट ऑफ रानी इन
किलोग्राम एंड ग्राम इक्वल टू 25,125 ग्राम। इसको हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं 25,000 ग्राम प्लस 125 ग्राम। 1,000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 2,000 ग्राम इक्वल टू 2 किलोग्राम, 3,000 ग्राम इक्वल टू 3 किलोग्राम, इसी तरीके से लाइक दिस 25,000 ग्राम इक्वल टू 25 किलोग्राम एंड 125 ग्राम। तो जो रानी का वेट है 25,125 ग्राम था, उसको हमने किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो रानी का वेट हो गया 25 किलोग्राम और 125 ग्राम। एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।